हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आजकल सुबह उठना है सच अ टास्क। मतलब लॉकडाउन से पहले तो मैं फिर भी उठ जाता था, बट इन दिस लॉकडाउन इतना ज़्यादा सोने को मिला है कि अब सुबह उठने बोलो तो हालत ख़राब हो जाती है। आज सुबह उठना वॉज कंपलसरी, क्योंकि दो काम थे। सबसे पहला मैं करके आ चुका हूँ, 9 बजे एग्ज़ाम था मेरा, जो कि मैंने ऐसे आधी आधी आँख खोल के दिया है। खुली नहीं रही थी आँख, इतनी तेज़ नींद आ रही थी। और दूसरा काम अभी अपन करने जा रहे हैं, कॉलेज की फ़ीस भरने। बट बिफोर दैट, कभी मेले गए हो बचपन में? मेले तो गए ही होगे यार, बचपन में सब लोग यही करते हैं, तो तुम लोग भी गए होगे। अब मेले में तुम लोगों को कोई एक ऐसी चीज़ दिखी होगी जिसको सेल्समैन इतने अच्छे तरीके से दिखाता है, मतलब पूरा तिगड़ा मिगड़म करके, कि तुम लोग को देख के लगता है ओ माय गॉड, इसको लेना तो बनता है, ये कितनी अमेजिंग चीज़ है। फिर तुम लोग ज़िद करना स्टार्ट कर देते हो, पापा दिलाओ, ठीक है, बहुत देर तक ज़िद करते हो, मम्मी पापा इग्नोर करते हैं। फिर तुम और ज़िद करना स्टार्ट कर देते हो तो एक रहपटा पड़ जाता है, फिर तुम रोने लगते हो, फिर तुम और ज़िद करते हो रोते, पापा दिलाओ, तो फिर मॉम डैड सोचते हैं हाँ यार छोटा बच्चा है, दिला दिया। तो फिर जैसी वो चीज़ तुम लोग को मिल जाती है, तुम लोग उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हो, पूरे मेले में हल्ला मचाने लगते हो, ऐ हूँ, मतलब समझ गया ना, दैट चाइल्डिश बिहेवियर। ठीक है, पूरे मेले में वो चीज़ एकदम सही चलती है, उसको कुछ नहीं होता, बट जैसे ही तुम उसको घर लेके आते हो और उसके साथ खेलना स्टार्ट करते हो, वो चीज़ टूट जाती है। ऐसा हुआ होगा, तुम्हारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। दैट इज़ वॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज। जिसको समझ में आया आया, बाकी अपन चलते हैं। फाइनली ऑफ टू कॉलेज। वैसे मैं कार से जाता नहीं हूँ कॉलेज, क्योंकि रास्ते खराब हैं, ट्रैफिक है, मज़ा नहीं आता मेरे को कार में, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। अगर आप कंसिडर करो कि अगर 12 बजे कॉलेज है और मैं 12 ही बजे घर से निकलता हूँ, तो बाइक इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट आज नहीं जा सकते बिकॉज बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और मेरा जो फ्रेम है ना, ये मेटल का है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और मेरी नाक जल जाती है यहाँ से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सही बात है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकता। कोई और दिन होता तो मैं कॉलेज ही नहीं जाता, वो एक ऑप्शन रहता है अपने पास, बट आज जाना पड़ेगा क्योंकि फीस जमा करनी है। फीस गे रखी हुई है, कल रात तक ना मैं सोच रहा था कि जब मैं खुद के कमाए पैसे से कॉलेज की फीस भरने जाऊंगा तो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होगा, मेरे को अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होगी, मजा आएगा। बट अब जैसे मैं जा रहा हूँ ना, मेरे को ये सब बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। ये सब छोड़ो, मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि मेरी क्या मजबूरी है कि मेरे को ये करना पड़ रहा है। मतलब अगर इसी पैसे से मैं मॉम डैड को मोबाइल गिफ्ट कर देता या फिर खुद को मोबाइल गिफ्ट कर देता तो मेरे को ज़्यादा खुशी होती, बट अभी ऐसा लग रहा है क्या मजबूरी है, एंड इट्स लाइक अ फिरौती। यू सी, अगर मैं कॉलेज फीस ना दूँ तो मेरा एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा, और एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा तो मैं अटक जाऊँगा ना। सो इट्स लाइक अ फिरौती की फीस दो, और छोड़ो यार अजीब से थॉट है, चलो चलते हैं। सो आ गए कॉलेज, अब मैं मास्क पहन के अंदर जाके फीस भर के आ जाऊं। So finally फीस दे दी है फॉर द लास्ट टाइम, मतलब अब इसके बाद कुछ नहीं देना है। सो लास्ट सेमेस्टर फीस डन, एंड मेरे को लग रहा था कॉलेज आके क्या ही मजा आएगा, मतलब ठीक है बट अच्छा लग रहा है यार थोड़ा सा आके, क्योंकि बहुत दिनों से कॉलेज आए नहीं थे हम लोग। लास्ट सेमेस्टर चल रहा था तो वैसे भी नहीं आते थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो और नहीं आते थे। सो अच्छा लग रहा है, बहुत सारी यादें यहीं जुड़ी हैं। बट एक बात दिखाता हूँ तुम लोग को मैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है, बट यहाँ से ये नीचे गए और ये ग्राउंड फ्लोर है। इसकी वजह से अंदर कॉलेज में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे एग्ज़ाम टाइम पे हम लोगों को कोई रूम बताया गया कि 201 रूम नंबर आपका रूम है, वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना है। अब वो रूम ढूंढने में हालत ख़राब हो जाती है बिकॉज सेकेंड फ्लोर पे जाते हैं, देखते देखते थर्ड फ्लोर पहुँच गए। सब कनेक्टेड है,
So it's like super confusing. Watch out, look, I'm jugging. Dissect your head if your hand am I putting put two in your man if your man keep a looking. Act like a real your biscuit. So back home. पहली बार पूरे कॉलेज लाइफ में कॉलेज वालों ने एक काम अच्छा किया, वो है कि सारे बच्चों की लेट फीस माफ कर दी। और अच्छा ही हुआ कर दी, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में कोई देने भी नहीं वाला था। जबरदस्ती काउंटर पे पंगे होते, लड़ाइयां होती, तो अच्छा हुआ कर दिया। बट ये आखिरी खर्चा नहीं था, अभी एक खर्चा और है, एग्जाम फॉर्म विच इज अराउंड 1500 रुपीज, वो और भरना पड़ेगा, जिसका मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। बिकॉज तीन सिनेरियो है जिसमें हम लोगों के एग्जाम हो सकते हैं फाइनल ईयर वालों के। सबसे पहला ऑनलाइन एग्जाम, जिसमें दिक्कत यह है कि लैपटॉप हमारा, इलेक्ट्रिसिटी हमारी, दिमाग तो हमेशा हमारा ही रहता है, तो जब सब कुछ हमारा है तो हम लोग तुमको पैसे क्यों दें? तो वहाँ पे एग्जाम फॉर्म थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लगता। बट मैं ऑनलाइन एग्जाम के खिलाफ हूँ, क्योंकि अगर ऑनलाइन में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए तो आंसर तो इस जन्म में हम लोगों का कभी आया नहीं, इस बार स्टेप्स के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ऑनलाइन एग्जाम रहने देते हैं। सेकंड ऑप्शन इज कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्जाम रखवा दिया जाए, विच इज अगेन अ प्रॉब्लम, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पास तो नहीं हो पाएंगे। मतलब हम लोग के पास चील की निगाहें तो है नहीं, जब बंदा सामने बैठा होता है तो हम लोग ऐसे ऐसे करके देखते हैं, जब अच्छी दूर बैठा होगा तो इट्स अ प्रॉब्लम। ओके, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं। लास्ट ऑप्शन इज अभी तक जितने भी क्विज हुए हैं और पिछले सेमेस्टर के मार्क्स देखते हुए उसके हिसाब से कुछ मार्क्स दे दिए जाएं और जुगाड़ उगाड़ करके बच्चों को पास कर दिया जाए, विच अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट ऑप्शन। यही करना चाहिए, क्योंकि यार देखो हम लोगों का मन नहीं है यार, हम लोगों का अभी कुछ बनता भी नहीं है, क्लासेस भी नहीं लगी हैं, बुक्स भी नहीं है, बुक्स होती भी तो हम लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि सिचुएशन देख रहे हो यार कितना टेंशन वाला माहौल है, और इस टेंशन वाले माहौल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? रिलैक्स माइंड चाहिए यार पढ़ने के लिए। सो लास्ट ऑप्शन इज द बेस्ट, वही करना चाहिए। एग्जाम फॉर्म के पैसे ले लो, बट लास्ट ऑप्शन कर दो। यार आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब अभी मैं कॉलेज से आया तो स्वेट की वजह से मैं पीछे से पूरा गीला हो चुका था, तो मैं कार से निकला, उसके बाद आ रहा था, देखा गार्ड भी है, समोसा खा रहे हैं, मैं खुश हो गया, और एक बार सोचा भी कि ये समोसा लेके कहाँ से आए, पर मैंने कहा छोड़ो। मैं आगे निकला तो पीछे से गार्ड भी है, बोलते हैं क्यों भी आप पैंट गीली कर दी क्या? एंड आई वाज लाइक ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, मतलब ये ज़्यादा हो गया। मैंने कहा ऐसा क्यों बोला आपने? बोलते हैं पीछे से तुम पूरे गीले हो, गाड़ी तो गंदी नहीं की। मैं कहा आप ये डबल बेइज्जती हो गई मेरी। तो फिर मैंने भी पूछा भैया समोसा कहाँ से लेके आए हो, हाँ अभी तो सारी दुकानें बंद हैं। तो बोलते नहीं कहाँ बंद है, सब साइकिल पे रख रख के बेच रहे हैं। मैं कहा अच्छा ये भी सही चल रहा है, मतलब देख रहे हो 10-10 जगह बेइज्जती हो रही है। इतनी गर्मी में वीडियो बनाया है, लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो कॉलेज के बारे में कुछ भी। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय। I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers. Pass that 808, that dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a